हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एजुकेशन एकेडमी 2021 को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एपिसाइक्लोइड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपने चलते हैं एपिसाइक्लोइड की विधि 2 पर। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया होगा अपना कि 120 डिग्री मतलब कि 120 डिग्री रोलिंग सर्कल डायामीटर 20 mm और एपिसाइक्लोइड की रचना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसने दे रखा है 120 डिग्री का मतलब होगा कि अपने 120 डिग्री पर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और रोलिंग सर्कल डायामीटर क्या दे रखा है, 20। ठीक है, रोलिंग सर्कल डायामीटर का मतलब है कि वृत्त की आधी त्रिज्या। ठीक है, उसका व्यास होगा जो अपना जो 40 mm होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रोलिंग सर्कल डायामीटर 120 mm से कैसे बनाएं एपिसाइक्लोइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने जो अपना नीचे की तो एक बेस तैयार करना है, बेस तैयार कर लिया और यहाँ पर डी या किसी और प्रकार डी जो अपने पास है उस सर्किल मास्टर है आपके पास, उससे आपको सही रहेगा। ठीक है, सर्किल मास्टर यहाँ पर रखिए, यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लीजिए, कहीं पर भी इस रेखा पर कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए और सर्किल मास्टर को 90% कीजिए। 90% हो जाएगा तो अपनी आएगी ये और ये रेखा आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कुछ इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर ये जो रेखा आई है उसने अगर दूर रखनी होगी, 50 mm रखनी होगी या 10 mm रखनी होगी, 10 cm रखनी होगी, तो अपने ले लेते हैं 10 cm की जो रेखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 cm यहाँ पर स्केल रखा अपने ने, 10 cm यहाँ पर आ गया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10 cm, यहाँ पर रेखा कितने की है, 10 cm की, यानी कि 100 mm। ठीक है, यहाँ पर इसे मान लेते हैं अपने बिंदु 0। ठीक है, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और 20 का प्रकार खोल लीजिए स्केल की सहायता से, 20 का प्रकार खोलेंगे वृत्त बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रेखा पूरी की कर दीजिए। ठीक है, ये रेखा पूरी हो गई है। उसके बाद में अपनों ने सर्किल मास्टर इसके ऊपर रखने हैं, 30 डिग्री पर निशान मार दीजिए। पहले यहाँ पर एक और 90 की रेखा खींच लीजिए, अब 30 डिग्री के निशान को खींच लीजिए, अब इनको मिला दीजिए स्केल की सहायता से, मिला दिया कुछ इस प्रकार से अपना दिखेगा और इन्हें हम नाम ले देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कुछ लंबी कर देते हैं लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकार कीजिए, ए पॉइंट नाम ले लेते हैं इसको, ए पर प्रकार रखेंगे जो यहाँ ये वाला एक वाला पॉइंट है, ये एक वाला पॉइंट है, इतना प्रकार खोलेंगे और ऐसे होते हुए जाएगी। ठीक है, फिर ये पॉइंट 1 पॉइंट और 11 पॉइंट पर प्रकार रखें
पहले देख लीजिए कि ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो आपकी कहीं पर गड़बड़ी हो गई और आपका ये सही नहीं आ रहा, ठीक है। इसी प्रकार वो गलत कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं इस ए पर। प्रकार का एक से ग्यारह को मिलाते हुए कुछ इस प्रकार की लाइन खींच लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अपने बिंदु दो से और दस को मिलाते हुए ए पर प्रकार की ये कुछ मिलती हुई ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर तीन से फिर नौ पर फिर ये सेंटर से फिर ये पॉइंट चार है और ये आठ है, पॉइंट फाइव है ये और सात है, फिर ये सिक्स वाला मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से अपना ये तैयार होगा, ठीक है। जो ये अपनी तीन वाली लाइन जा रही है, तीन वाली लाइन जा रही है जो ये वाली, इसके 12 भाग करने हैं। 12 भाग कैसे आए किसी को डाउट होगा, ठीक है। जो ये अपने इस सर्कल के कितने बाकी हैं 12, तो अपने इसके समझकर उसके पर कर देंगे, ठीक है। 12 भाग पहले प्रकार देख लीजिए कितने खुलेगा, 12 भाग करने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये 11 ये 12 आ गया, ठीक है। इन्हें नाम देते हैं C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 12 आ ही गया अपना। और जो ये अपने भाग गए हैं ये C1 पर प्रकार रखेंगे, अपने C1 पर प्रकार रखकर ये जो एक पॉइंट था या जीरो वाला पॉइंट था यहाँ तक प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर एक ऐसे ही अंकित कर देंगे, पॉइंट आ जाएगा अपना P1, ठीक है। और C2 पर प्रकार रखेंगे, ये जो दूसरी एक वाली लाइन जा रही है उसके ऊपर एक और अंकित कर देंगे निशान P2, ठीक है। ये 3 वाली है जो C3 है, C3 ये दो वाली लाइन जा रही है, इस पर कुछ नाम दे दीजिए। फिर C4 पर जाएंगे, C4 यहाँ पर आ जाएगा अपना P4, ठीक है। नाम देते चलेंगे तो साथ में समझ में आता रहेगा। C5 पे प्रकार रखेंगे तो यहाँ पर कटेगा P5, 6 पे प्रकार रखेंगे तो यहाँ पर कटेगा P6, और 7 पे प्रकार रखेंगे यहाँ पे कटेगा P7, और 8 पर प्रकार रखेंगे तो यहाँ पर होते हुए चलेगा, ठीक है, P8। फिर 9 पे प्रकार रखेंगे, फिर 10 पे प्रकार रखेंगे, फिर 11 पर प्रकार रखेंगे, फिर 11 पर प्रकार रखेंगे यहाँ पर ये से आ जाएगा 11 P10 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको करते चलेंगे। सेट स्क्वायर होगा, आप सेट स्क्वायर जरूरी होगा, अपने जो ये अपने बना रहे हैं उसमें सेट स्क्वायर बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो अपना पहला पॉइंट क्या आया था P1, P1 से होते हुए P2 को मिलाया, P3 को मिलाया, फिर 4 को मिलाया, फिर 5 को मिलाया, फिर 6 को मिलाया, फिर 7 को मिलाया, फिर 8 को मिला दिया, फिर 8 तक होते हुए 9, फिर 10, 11, ऐसे होते हुए यहाँ तक मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। किसी पर अगर आप प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल राइट बनेगा। और
Thank you.